So last time we had talked about an application of BFS in which we found the set of all connected components of a given graph. Today we are going to talk about the application wherein we test a graph for bipartiteness. Now testing bipartiteness is about checking whether a given graph is bipartite. So let us first understand what is a bipartite graph. So suppose कीजिए आपको एक graph दिया गया है G जिसका vertex set है V और edge set है E. अब इस graph को हम bipartite तब कहेंगे जब इसके vertex set V को आप दो sets में divide कर सकें X and Y such that every edge of the graph has one endpoint in X and the other endpoint in Y. तो अगर एक edge है graph में U V तो उसका एक endpoint मान लीजिए U X में होना चाहिए और दूसरा एंड पॉइंट जो है V वो Y में होना चाहिए. अगर हर एज के लिए ऐसा है तो आप कहेंगे कि ग्राफ बाइपार्टाइट है. सो एसेंशियली हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की पार्टिशनिंग अगर पॉसिबल है वर्टेक्स सेट की ताकि हर एज आपको X से Y में जाती हुई दिखाई दे तो आप कहेंगे कि ग्राफ बाइपार्टाइट है. या ऑल्टरनेटिवली आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी देख सकते हैं कि आप ग्राफ के हर नोड को कलर कीजिए या तो रेड कलर से और या फिर ब्लू कलर से. और कलरिंग इस तरह होनी चाहिए कि ग्राफ की हर एज का एक एंड पॉइंट रेड हो और दूसरा एंड पॉइंट ब्लू हो. ऑलराइट, सो यू शुड बी एबल टू कलर द नोड्स ऑफ द गिवन ग्राफ रेड एंड ब्लू, आइदर रेड और ब्लू. एवरी नोड शुड बी गिवन वन ऑफ द टू कलर्स इन सच अ वे दैट एवरी एज ऑफ द ग्राफ हैज वन एंड पॉइंट ऑफ वन कलर एंड द अदर एंड पॉइंट ऑफ द अदर कलर. सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का है जिसमें ये आपका नोड सेट है X और ये आपका नोड सेट है Y. अब अगर ग्राफ की सभी एजेस X टू Y रन कर रही हैं, मतलब सभी एजेस इस तरह से हैं, तो ये ग्राफ बाइपार्टाइट है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइपार्टाइट ग्राफ. मतलब असेंशली हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि विद इन X जो नोड्स हैं उनके बीच में कोई एज नहीं होनी चाहिए. This is not an allowed edge. Similarly, Y में जो nodes हैं उनमें भी आपस में कोई edge नहीं होनी चाहिए. इस तरह की edges allowed नहीं है graph में. तो अब ये तो example हुआ एक ऐसे graph का जो bipartite है. Give me a simple example of a graph which is not bipartite. देखिए ये चीज ध्यान रखिए कि non bipartite का मतलब ये है कि इस तरह की partitioning possible ही ना हो. ऐसा कोई पार्टीशन पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए ग्राफ में कि सभी एजेस क्रॉस हों, तब आप कहेंगे कि ग्राफ नॉन बाइपार्टाइट है. तो अब इस बात को ध्यान में रख के एक नॉन बाइपार्टाइट ग्राफ का एग्जांपल दीजिए. देखिए आप ये कह रहे हैं कि अगर एक्स के दो नोड्स के बीच में कोई एज है तो ये नॉन बाइपार्टाइट हो गया. ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एक ऐसे ग्राफ का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें इस तरह की पार्टीशनिंग पॉसिबल ही ना हो. ग्राफ को देख के आप कंक्लूड कर सकें कि इसमें ऐसी एक्स और वाई में पार्टिशनिंग हो ही नहीं सकती वर्टिसेस की. अ स्क्वायर, ओके लेट अस ट्राई. तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें ये सारी चारों एजेस हैं जो बाउंड्री एजेस, ये ग्राफ की एजेस हैं. क्या ये एग्जांपल ठीक है? सपोज कीजिए मैंने वर्टिसेस के नाम दे दिए ए बी सी डी. ए और सी को आप एक साइड रख लीजिए और बी और डी को आप दूसरी साइड रख लीजिए. अब ए बी एज इस तरह से रन हो रही है और दूसरी एज है ए से निकलती हुई ए डी, ये एज. व्हाट अबाउट द एजेस दैट आर इंसिडेंट ऑन बी? एक तो ए बी ही एज है बी पे इंसिडेंट, दूसरी एज है बी सी, वो भी क्रॉस रन हो रही है. इसी तरह सी टू डी एज है वो भी अक्रॉस जा रही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका पार्टीशन हो गया एक्स और ये पार्टीशन हो गया वाई. तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल तो करेक्ट नहीं है. ओके ओके, पेंटागन. सो लेट्स ड्रॉ अ पेंटागन, ए बी सी डी एंड ई. तो अब इसमें सेकेंड डेफिनेशन अप्लाई करके वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन कौन सी थी जहां पे हमें सभी नोड्स को कलर देना था कोई ना कोई. मान लीजिए मैंने ए नोड को कलर दे दिया रेड. इसमें कुछ लॉस ऑफ जनरलिटी तो नहीं है क्योंकि ए नोड को रेड और ब्लू में से कोई कलर तो मिलना ही है. तो मान लीजिए आपने रेड कलर दे दिया. अब सी को ब्लू कलर मिलना चाहिए इसका मतलब, क्योंकि ए और सी के बीच में एक एज है
और आपके हिसाब से किसी भी एज के एंड पॉइंट्स ऑपोजिट कलर के होने चाहिए. फॉर द सेम रीजन बी शुड ऑल्सो गेट ब्लू कलर. वॉट अबाउट ई? ई शुड बी गेटिंग रेड कलर नाउ बिकॉज सी ई इज एन एज इन द ग्राफ. हाउएवर डी शुड ऑल्सो बी गेटिंग रेड कलर. वाई? बिकॉज बी डी इज एन एज इन द ग्राफ. सो इट्स एंड पॉइंट्स मस्ट बी कलर्ड विद ऑपोजिट कलर्स. नाउ वॉट इज द प्रॉब्लम हियर? D और E को दोनों को सेम कलर मिल रहा है जबकि D E एक एज है ग्राफ में और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. अगर आप A को ब्लू कलर भी देते तब भी D और E को सेम कलर्स मिलते, ठीक है. जबकि आपने जो पहला एग्जाम्पल दिया था, देखिए जो आपने स्क्वायर का एग्जाम्पल दिया था उसमें इस तरह की कलरिंग स्कीम पॉसिबल होती. कैसे? आप A को रेड कलर दे दीजिए, उसके बाद B को और D को दोनों को ब्लू कलर मिल जाएगा और सी को फिर से रेड कलर मिल जाएगा. तो ए और सी ये पार्टीशन एक्स बन गया, वो दोनों नोड्स जिन्हें रेड कलर मिला है, और बी और डी जिन्हें ब्लू कलर मिला है वो दोनों, उसको आप वाई पार्टीशन बोल दीजिए, ठीक है. तो पेंटागन में ये कलरिंग पॉसिबल नहीं हुई, यानी कि आप पार्टीशन नहीं कर पा रहे वर्टिसेस को. अब पेंटागन पे जाने की जगह अगर आप एक सिंपल सा ट्रायंगल भी देखेंगे, इसके नोड्स मान लीजिए ए बी और सी, तो बताइए क्या इसे आप कलर कर पाएंगे? ए को अगर आप रेड कलर दे दें तो बी और सी दोनों को ही ब्लू कलर मिलना चाहिए बिकॉज ए बी इज एन एज एंड ए सी इज ऑल्सो एन एज. लेकिन अब हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई बिकॉज बी सी इज एन एज हैविंग बोथ इट्स एंड पॉइंट्स एज ब्लू. इज दैट राइट? तो अब ये बताइए कि ये जो पेंटागन आपने एग्जाम्पल दिया था और जो ट्राइंगल हमने बनाया, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? क्या इन दोनों को देख के हम कुछ कैप्चर कर सकते हैं जनरल बिहेवियर? इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही ऑड लेंथ की साइकिल्स हैं और इन जनरल आप किसी भी ऑड लेंथ की साइकिल के लिए ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके अंदर ऐसी पार्टिशनिंग पॉसिबल नहीं होगी. लेट अस सी हाउ. तो सपोज कीजिए आपके पास एक ऑड लेंथ साइकिल है एंड सपोज द नोड्स ऑफ इट आर नंबर्ड 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो अब ऑड लेंथ की साइकिल है तो लास्ट नोड जो होगा उसके उसका नंबर होगा 2k+1 फॉर सम k. अब आप क्या करेंगे? आप नोड नंबर 1 को सपोज कीजिए आपने रेड कलर दे दिया, ठीक है. अब क्योंकि ये साइकिल है, देखिए ये इस तरह की साइकिल है, तो अगर ये हमारे नोड्स हैं 1, 2, 3, 4, दिस विल बी द नोड नंबर 2k+1. ऑलराइट? तो अगर आपने 1 को रेड कलर दिया है, 2 को क्लियरली ब्लू कलर मिलना चाहिए, तो यहां पे हमने लिख दिया ब्लू, दैट विच इज टू मीन दैट द नोड नंबर 2 गेट्स कलर ब्लू एंड देन रेड देन अगेन ब्लू एंड सो ऑन. तो अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि जितने भी ऑड नंबर्ड नोड्स हैं उन सभी को रेड कलर मिलेगा और जितने भी इवन नंबर्ड नोड्स हैं उन सभी को ब्लू कलर मिलेगा. तो नोड नंबर 2 के जो है उसके पास कौन सा कलर आया? उसके पास कलर आया ब्लू, और 2k+1 क्योंकि ऑड नंबर्ड है उसके पास कलर आया रेड. लेकिन अब आप साइकिल को ध्यान से देखिए, 2k+1 और नोड नंबर 1, इन दोनों के बीच में तो एक एज है. ये रही वो एज, क्योंकि ये एक साइकिल है तो लास्ट नोड और फर्स्ट नोड तो जुड़े होने चाहिए एज के थ्रू, ठीक है. इसका मतलब आपके पास एक ऐसी एज है ग्राफ में जिसके दोनों ही एंड पॉइंट्स रेड हैं. तो आप किसी भी ऑड लेंथ की साइकिल में नोड्स का पार्टिशनिंग इस तरह का कर ही नहीं पाएंगे. इनफैक्ट ये बात केवल ऐसे ग्राफ्स के लिए ट्रू नहीं है जो अपने आप में ऑड लेंथ की साइकिल है, ये किसी भी ऐसे ग्राफ के लिए ट्रू है दैट कंटेन्स एन ऑड लेंथ साइकिल. मतलब कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें एक ऑड लेंथ की साइकिल है तो वो बाइपार्टाइट नहीं हो सकता. बहुत ऑब्वियस है ये, ठीक है. अगर ऑड लेंथ की साइकिल में आप इस तरह की पार्टिशनिंग नहीं कर पा रहे, तो अगर आपका ग्राफ मान लीजिए कि वो अपने आप में एक साइकिल नहीं है लेकिन उसके अंदर एक साइकिल एम्बेडेड है, ऑड साइकिल एम्बेडेड है, तो स्पेसिफिकली उस ऑड लेंथ की साइकिल के नोड्स को तो आप पार्टीशन कर ही नहीं पाएंगे. तो इसका मतलब पूरे ग्राफ के नोड्स पार्टीशन नहीं हुए, ठीक है. तो ऐसा कोई भी ग्राफ जिसमें ऑड लेंथ की साइकिल है, इट कैनॉट बी बाइपार्टाइट. नाउ दिस फर्दर मीन्स दैट इफ अ ग्राफ इज बाइपार्टाइट, गिवन दैट अ ग्राफ इज बाइपार्टाइट, इट कैनॉट पॉसिबली कंटेन एन ऑड साइकिल. If you are given a bipartite graph, you know for sure that it cannot contain an odd cycle. देखिए ये इसकी contrapositive statement है. For example, अगर आप कहते हैं कि A implies B, this means not B implies not A, right?
तो हमारी स्टेटमेंट में दिस जी कंटेनिंग एन ऑड लेंथ साइकिल कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए एंड द ग्राफ बीइंग नॉन बाइपार्टाइट कॉरेस्पॉन्ड्स टू बी. तो ये जो हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखी है ये इसकी कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट है. सो देयरफॉर व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट अ बाइपार्टाइट ग्राफ कैन नॉट कंटेन एन ऑड साइकिल. अब अपनी डेफिनेशन को एक बार फिर से रिकॉल कीजिए और सपोज कीजिए कि मुझे एक पार्टीशन दिया गया है ऑलरेडी. ये मेरा नोड सेट है x और ये नोड्स का पार्टीशन है जिसका नाम है y. अब अगर ऑलरेडी मेरे पास पार्टीशन डिफाइंड है तो बाइपार्टाइटनेस के लिए चेक करना बहुत ही आसान काम है. ऑल दैट यू नीड टू वेरीफाई इज दैट ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ रन फ्रॉम x टू y. देयर इज नो एज विद इन x एंड देयर इज नो एज विद इन y. ऑलराइट, अगर सभी एजेस इस तरह से क्रॉस कर रही हैं तो आपको पता है कि ग्राफ बाइपार्टाइट होगा. और अगर आपको कोई एज दिखाई दे गई विद इन द नोड्स ऑफ y और विद इन द नोड्स ऑफ x तो आप कंक्लूड कर लेंगे कि ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है. लेकिन ये आपने तब किया जब आपको पार्टीशन फिक्स करके दे दिया गया था. लेकिन हमारी डेफिनेशन जो है बाइपार्टाइटनेस या नॉन बाइपार्टाइटनेस की फॉर दैट मैटर वो क्या कहती है, वो आपको पार्टीशन डिसाइड करके थोड़ी देती है. वो आपसे ये कहती है कि ऐसा कोई पार्टीशन पॉसिबल है या नहीं है ये आपको डिटर्मिन करना है. आपको पार्टीशन नहीं दिया जाएगा, ये आपको बताना है कि इस तरह की पार्टीशनिंग पॉसिबल है या नहीं है. ठीक है, तो अब अगर आपको एक जनरल ग्राफ दिया जाए जी, जनरल ग्राफ है, इसका नोड सेट है वी, कोई पार्टीशनिंग नहीं की गई नोड सेट की, और आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये ग्राफ बाइपार्टाइट है, तो एक जनरल ग्राफ के लिए आप इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे. देखिए, एक चीज तो हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर ली है कि ऑड लेंथ साइकिल अगर है तो वो बाइपार्टाइट नहीं हो सकता. तो एक प्रिलिमिनरी चेक तो हम कर ही सकते हैं कि आप ये चेक करिए कि क्या जी में कोई ऑड साइकिल है या नहीं है. अगर आपको जी में कोई ऑड साइकिल दिखाई दे गई तो आपको क्लियरली पता है कि अब तो ये बाइपार्टाइट हो ही नहीं सकता. लेकिन अगर आपको इसमें कोई ऑड साइकिल नहीं मिली तो क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्राफ बाइपार्टाइट है, ये हमारा क्वेश्चन है. ऑड लेंथ साइकिल के मिल जाने पर तो हमारा कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है कि अब तो ये बाइपार्टाइट हो ही नहीं सकता. लेकिन अगर ऑड लेंथ साइकिल नहीं है तो क्या हम ये सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि अब ये ग्राफ श्योरली बाइपार्टाइट है. तो एक्चुअली हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऑड साइकिल्स ही ऑब्स्टिकल हैं बाइपार्टाइटनेस के लिए या कुछ और भी ऑब्स्टिकल हो सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है. अगर ऑड साइकिल्स ही एकमात्र ऑब्स्टिकल हैं बाइपार्टाइटनेस के लिए, इफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस, इसका मतलब ये होगा कि किसी भी ऑड साइकिल के ना मिलने के केस में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ बाइपार्टाइट है. अगर ऑड साइकिल्स के अलावा और कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं और आपने चेक कर लिया कि हमारे ग्राफ में कोई ऑड साइकिल नहीं है तो देन यू कैन सेफली कंक्लूड दैट योर ग्राफ इज बाइपार्टाइट, राइट. उस केस में इसका आंसर हो जाएगा यस. लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर है नो, यानी ऑड साइकिल्स ही ऑब्स्टिकल नहीं है और भी ऑब्स्टिकल्स हैं, इस नो का क्या मतलब है, ये जो अभी आपने नीचे नो लिखा, दिस नो इज टू से दैट ऑड साइकिल्स आर नॉट द ओनली ऑब्स्टिकल, देयर आर अदर ऑब्स्टिकल्स टू बाइपार्टाइटनेस. एंड इफ देयर आर अदर ऑब्स्टिकल्स टू बाइपार्टाइटनेस देन द एब्सेंस ऑफ ऑड साइकिल्स एक्चुअली लीड्स टू नो कंक्लूजन. क्योंकि भाई आपने एक ही तो ऑब्स्टिकल चेक किया है, उसी की एब्सेंस तो वेरीफाई किया आपने. Because odd cycles you are saying is only one of the obstacles. वो नहीं है, ठीक है, it's a good situation. लेकिन बाकी obstacles के बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं है उनके status के बारे में. ये point clear है सबको? Now surprisingly it turns out that actually odd cycles are the only obstacle. इसका मतलब अगर कोई odd cycle नहीं है तो आप ये safely conclude कर सकते हैं कि आपका graph bipartite होगा. The absence of odd cycles in a graph implies bipartiteness. तो अब हमारे पास दो observations हो गई. पहली तो ये कि अगर आपका graph non-bipartite है तो उसमें surely एक odd cycle होगी ही होगी. Why? Because odd cycles are the only obstacle. अगर odd cycle नहीं है तो graph bipartite क्यों नहीं है, फिर तो bipartite होना चाहिए. तो अगर आपको पता है कि ग्राफ आपका बाइपार्टाइट नहीं है तो श्योरली उसमें ऑड साइकिल होनी ही पड़ेगी.
और दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि अगर ऑड साइकिल है तो क्लियरली आपका ग्राफ नॉन बाइपार्टाइट है, यानी अ ग्राफ इज बाइपार्टाइट इफ एंड ओनली इफ इट डज नॉट कंटेन एनी ऑड साइकिल. नाउ द बिग क्वेश्चन दैट स्टिल स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अस इज हाउ टू चेक फॉर बाइपार्टाइटनेस. तो अब इसमें सबसे पहले तो ये अज्यूम कीजिए कि जो ग्राफ आपको दिया गया है जी, जिसकी बाइपार्टाइटनेस आपको चेक करनी है, वो एक कनेक्टेड ग्राफ है. ये एक सिंपल सा अजम्पशन है. अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो आप उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उनका अलग अलग एनालिसिस कीजिए, हर कंपोनेंट का सेपरेट एनालिसिस कर लीजिए. ठीक है, तो अब हम ये मान के चलेंगे अभी फिलहाल कि जो आपको ग्राफ दिया गया है वो एक कनेक्टेड ग्राफ है. अब एक सिंपल सी एल्गोरिदम, एक सिंपल सी स्कीम कंसिडर कीजिए. पिक एनी नोड एस फ्रॉम द वर्टेक्स सेट. सपोज कीजिए ये है मेरा नोड एस. रैंडमली आपने किसी भी नोड को सेलेक्ट कर लिया. अब आप इस सेलेक्टेड नोड को रेड कलर दे दीजिए. सो कलर द नोड एस रेड. अब एस के जो नेबर्स हैं, इमीडिएट जो नेबर्स हैं ग्राफ में, मान लीजिए ये चार नेबर्स हैं इसके, इन सभी को ब्लू कलर दे दीजिए. इन सबको ब्लू कलर ही मिलना चाहिए क्योंकि ये सब एस के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू एन एज, और हर एज के लिए उसके दोनों एंड पॉइंट्स ऑपोजिट कलर्स के होने चाहिए. देखिए यहां पे आपको सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि एस को रेड कलर दे देने से वी हैव नॉट लॉस्ट एनी जनरलिटी. एस एनीवेज हैड टू रिसीव वन ऑफ द टू कलर्स. एस को आप रेड कलर दें या ब्लू कलर दें, उससे आपके कंक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अकॉर्डिंगली इसके नेबर्स का कलर चेंज हो जाएगा. अगर आप एस को ब्लू कलर देते तो अकॉर्डिंगली इसके जो नेबर्स हैं वो रेड कलर के होते. सो व्हाट यू हैव डन इज दैट यू हैव कलर्ड द नेबर्स ऑफ एस ब्लू. अब इन नेबर्स के जो नेबर्स हैं उन्हें फिर से रेड कलर दे दीजिए. उन सबको क्लियरली रेड ही कलर मिलना चाहिए. मान लीजिए ये सभी नेबर्स हैं तो इन सभी को रेड कलर मिल जाना चाहिए, यानी इन नेबर्स के नेबर्स को आपने फिर से रेड कलर दे दिया. और ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा? जब तक सभी नोड्स कलर नहीं हो जाते. और लास्ट में आप एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए, डज एवरी एज इन द ग्राफ हैव एंड्स ऑफ ऑपोजिट कलर्स. इफ येस देन यू हैव डिटर्मिंड अ पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ द वे यू वॉन्टेड. कैसे मिल गया पार्टीशन? जितने भी नोड्स को रेड कलर मिला है वो सब पार्टीशन एक्स में हो गए, और जिनको भी ब्लू कलर दिया गया है वो पार्टीशन वाई में हो गए. तो अगर इस प्रोसीजर के एंड में आपको पता चलता है कि सभी एजेस के एंड्स ऑपोजिट कलर्स के हैं, देन यू हैव अ पार्टीशन एंड यू फॉर श्योर नो दैट योर ग्राफ इज बाइपार्टाइट इन दिस केस. इस केस में तो आपको पार्टीशन मिल ही गया तो ग्राफ श्योरली बाइपार्टाइट है. अब सपोज कीजिए आपको पार्टीशन नहीं मिला, जिस तरह से आपने कलरिंग करने की कोशिश करी उससे आपको पार्टीशन नहीं मिला, यानी कि कोई एक ऐसी एज है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सेम कलर के हैं. अगर ऐसी कोई भी एज है जिसके दोनों एंड पॉइंट सेम कलर के हैं, इसका मतलब आपको पार्टीशनिंग नहीं मिली जैसी आप चाहते थे. लेकिन क्या अब आप ये कंक्लूड कर सकते हैं इस केस में कि पार्टीशनिंग हो ही नहीं सकती? आपने जो किया उससे पार्टीशनिंग नहीं प्रोड्यूस हुई, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पार्टीशनिंग है ही नहीं? कुड देयर बी अ स्मार्टर वे ऑफ कलरिंग? सो यू विल सी दैट देयर कुड नॉट हैव बीन एनी अदर पॉसिबल वे. अगर इस तरह से आप पार्टीशन नहीं कर पा रहे वर्टिसेस को तो इसका मतलब पार्टीशनिंग हो ही नहीं सकती थी. लेकिन इस चीज को अब हम थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? देखिए इंट्यूटिवली तो ये बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि आपने किया क्या है, हर एज के लिए जो कंडीशन है उसे रिस्पेक्ट करते हुए आप चले, और हर एज किसी भी एज के दोनों एंड पॉइंट्स को, दोनों एंड पॉइंट्स को कोई ना कोई कलर तो मिलना ही था. तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या डिफरेंट कर सकते हैं? रेड की जगह ब्लू और ब्लू की जगह रेड, लेकिन उससे कंक्लूजन थोड़ी अलग हो जाता आपका. तो इंट्यूटिवली तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर इस सिंपल सी स्कीम को फॉलो करके हम कलरिंग नहीं कर पाए जिस तरह से हमें चाहिए थी और पार्टीशनिंग नहीं हुई वर्टिसेस की, तो एक्चुअली वो हो ही नहीं सकती थी. लेकिन अब इस चीज को हम थ्योरेटिकली कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? हम ये शो करेंगे कि अगर इस तरह से पार्टीशनिंग नहीं हुई तो श्योरली ग्राफ में एक ऑड साइकिल है. दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू शो.
that if you have not been able to produce a partitioning in this way, then surely the graph contains an odd cycle. And if the graph contains an odd cycle, you clearly know that it is non-bipartite. Is the overall idea clear to everybody? Okay, now before we move on to proving these observations of ours, sabse pehle ye dekhiye ki ye jo humne scheme propose ki hai, wo BFS ke procedure ke kafi similar hai. Iska kaam karne ka tarika kafi milta julta hai breadth first search ke kaam karne ke tarike se. What is it that you are essentially doing? You are moving outwards, starting at S, and then coloring the nodes appropriately as they are encountered. Aur BFS mein bhi aap similar cheez karte hain. आप S से शुरू करते हैं एंड यू हैव एन एक्सपैंडिंग वेव दैट मूव्स आउटवर्ड्स और वो जहां जहां तक जा सकती है वहां तक जाती है. तो इनफैक्ट दिस प्रोसीजर दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, दिस सिंपल प्रोसीजर कैन बी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ BFS. आपके पास जो BFS का प्रोसीजर है उसमें एक छोटा सा और एड ऑन कीजिए और आपके पास ये प्रोसीजर इंप्लीमेंट हो जाएगा. सो बेसिकली आप हर लेवल को एक कलर असाइन कर दीजिए. जैसे लेयर जीरो में जिसमें केवल एस नोड होता है उसे आप रेड कलर दे दीजिए, फिर लेयर वन में जो भी नोड्स हैं उन्हें आप ब्लू कलर दे दीजिए, अब लेयर टू के नोड्स को फिर से रेड कलर मिलना चाहिए एंड सो ऑन. तो इस तरह लेयर्स जो जनरेट होती हैं BFS में उन्हें ऑल्टरनेटली कलर करते जाइए. सो असेंशली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कलरिंग ऑल दी ऑड नंबर्ड लेयर्स एज ब्लू and you are coloring all the even numbered layers as red. अब last में आपको केवल इतना करना है कि सभी edges को scan कीजिए और question पूछिए कि क्या कोई ऐसी edge है जिसके end points same color के हैं. अगर ऐसी कोई edge है, suppose इस question का answer है yes, इसका मतलब ऐसी कोई edge है जिसके दोनों end points same color के हैं, तब तो clearly हमारा graph non-bipartite है जैसे हमने अभी discuss किया. और अगर इसका आंसर है नो, इसका मतलब देयर इज नो एज विद एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम कलर, देन वी आर क्लेमिंग दैट द ग्राफ शुड बी बाइपार्टाइट. हालांकि ये अभी हमने एस्टैब्लिश किया नहीं है, हमें पता नहीं है कि ये कंक्लूजन करेक्ट क्यों है, बट हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा होगा. अगर ऐसी कोई एज नहीं है तो आपका ग्राफ श्योरली बाइपार्टाइट है. सो बिफोर वी गो ऑन टू एनालाइजिंग आवर एल्गोरिदम, सबसे पहले बताइए कि इस प्रोसीजर का रनिंग टाइम क्या होगा. जितना ब्रेथ फर्स्ट सर्च का रनिंग टाइम है, एब्सोल्युटली बहुत छोटा सा एड ऑन है देखिए उसमें, ठीक है. तो इसका रनिंग टाइम होगा ऑर्डर m प्लस n, लीनियर इन द साइज ऑफ द इनपुट ग्राफ. नाउ लेट्स प्रोसीड टू एनालाइज द प्रोसीजर. नाउ आवर गोल इज टू शो दैट इफ देयर इज एन एज विद एंड्स ऑफ द सेम कलर एट द एंड ऑफ आवर प्रोसीजर, देन देयर वुड श्योरली बी एन ऑड साइकिल इन द ग्राफ. And once we are able to show the existence of an odd cycle in this case, we clearly know that our graph is non-bipartite. Now, how do you go about showing this? It turns out that the existence of an edge with ends of the same color is actually equivalent to the existence of an edge, both of whose endpoints lie in the same layer. मतलब अगर procedure के end में आपके पास एक ऐसी edge है जिसके दोनों ही एंड पॉइंट्स का कलर सेम है, या तो दोनों रेड हैं या फिर दोनों ब्लू हैं, तो हम ये शो कर सकते हैं कि इस केस में एक ऐसी एज है आपके ग्राफ में जिसके दोनों ही एंड पॉइंट्स सेम लेयर में हैं. इनफैक्ट ये वही एज है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सेम कलर के हैं, द सेम एज, उसी के दोनों एंड पॉइंट्स सेम लेयर में भी होंगे. कौन सी लेयर? वो लेयर जो BFS ने प्रोड्यूस की है. तो आप सपोज कीजिए कि जी आपका ग्राफ था जो इनपुट ग्राफ था और BFS ने जो लेयर्स प्रोड्यूस की वो है L1, L2, ये सभी लेयर्स हैं. नाउ एट द एंड ऑफ द BFS प्रोसीजर वन ऑफ द टू थिंग्स कैन हैपन, आइदर देयर वुड बी नो एज ऑफ द ग्राफ विच वुड बी जॉइनिंग टू नोड्स इन द सेम लेयर, और देयर वुड बी एन एज जॉइनिंग टू नोड्स इन द सेम लेयर. ये ही दो पॉसिबिलिटीज हैं. One of these two scenarios arises. अब पहली सिचुएशन को कंसिडर कीजिए जिसमें हम ये कह रहे हैं कि प्रोसीजर के एंड पे जब BFS ने जो लेयर्स प्रोड्यूस की हैं उसके बाद जब आपने ग्राफ की एजेस को एग्जामिन किया तो आपने देखा कि ग्राफ की ऐसी कोई एज नहीं है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सेम लेयर में हैं. ऐसी कोई भी एज नहीं है.
अब याद कीजिए कि अगर यू वी कोई ग्राफ की एज है जिसका एक एंड पॉइंट मान लीजिए लेयर एल आई में है और दूसरा एंड पॉइंट मान लीजिए लेयर एल जे में है, तो आई और जे के बीच का जो गैप है दैट कैन बी नो मोर देन वन. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड. इसका मतलब यह है कि ग्राफ की कोई भी एज या तो एडजेसेंट लेयर्स के नोड्स को कनेक्ट कर रही होगी और या फिर सेम लेयर के नोड्स को कनेक्ट कर रही होगी. ठीक है ना, यही मतलब है इसका. सो एनी एज ऑफ द ग्राफ आइदर कनेक्ट्स टू नोड्स इन एडजेसेंट लेवल्स और इट कनेक्ट्स टू नोड्स इन द सेम लेवल. इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास. जो सेकेंड ऑप्शन है वो तो आपने वैसे ही रूल आउट कर दिया. आप कह रहे हैं कि ऐसा है ही नहीं ग्राफ में कोई एज जो सेम लेवल के दो नोड्स को कनेक्ट कर रही हो, तो ये ऑप्शन तो रूल आउट ही हो गई. और अगर एडजेसेंट लेवल्स के नोड्स को कनेक्ट कर रही है एज, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दोनों एंड पॉइंट्स सेम कलर के आ जाएं आपके पास? क्योंकि एडजेसेंट लेवल्स को तो आपने वैसे ही अलग कलर्स दिए हैं. तो अगर एडजेसेंट लेवल्स हैं, यू नो दैट दे आर कलर्ड विद ऑपोजिट कलर्स. दैट्स व्हाट योर प्रोसीजर वॉज. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ग्राफ की हर एज के लिए उसके एंड पॉइंट्स ऑपोजिट कलर्स के होंगे, विच फर्दर मीन्स दैट द ग्राफ इज बाइपार्टाइट. अब सपोज कीजिए कि आपको कोई ऐसी एज मिल गई जिसके दोनों नोड्स सेम लेयर में थे. इस सेकेंड सिनेरियो को कंसिडर कीजिए. अब तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई एज है ई जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, और ये दोनों ही एंड पॉइंट्स किसी लेयर एल के में हैं. अब आप उन लेयर्स को देखिए जो बीएफएस के दौरान बनी. मान लीजिए ये हमारी लेयर है एल के, तो एक्स और वाई इस लेयर पे ऐसे कहीं पोजिशन होने चाहिए. ठीक है, और जो लेयर जीरो थी उसमें आपके पास जो आपका इनिशियल नोड था सोर्स नोड एस होना चाहिए. अब रिकॉल कीजिए कि बीएफएस ट्री कैसे बनता है. आप एस से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके ऊपर इंसिडेंट एजेस को देखते हैं. ये जो सभी एजेस हैं ये ट्री का पार्ट बन जाती हैं, और फिर आप इन सभी नोड्स को जो अगली लेयर में आ गए इन सभी को बारी बारी एक्सप्लोर करते हैं और इन पर इंसिडेंट एजेस को देखते हैं. ठीक है, तो ऐसे एक्सपैंड करते करते ट्री नीचे तक आया होगा लेयर एल के तक, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास एक्स और वाई आ गए. लेकिन ये एक्स और वाई सेम लेयर पे हैं. मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है. अब आप एक्स और वाई से दोनों से ऊपर जाते हुए पाथ देखिए जो रूट की तरफ जा रहे हैं. कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर मिलेगा आपको. यहां पे वो कॉमन एंसेस्टर सबसे पहले कौन सा मिल रहा है आपको? देखिए आप यहां से ऊपर गए फिर इधर आए, तो ये वाला जो नोड है ये एक्स का एंसेस्टर है, लेकिन ये नोड वाई का भी एंसेस्टर है. तो ये दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, और इससे पहले इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं था. हो सकता है ये कॉमन एंसेस्टर खुद एस ही हो, लेकिन कोई तो कॉमन एंसेस्टर होना ही पड़ेगा. एटलीस्ट एस तो सभी का कॉमन एंसेस्टर है. सो देयर हैज टू बी अ कॉमन एंसेस्टर फॉर एक्स एंड वाई. नाउ लुक एट द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, वो कॉमन एंसेस्टर जो एक्स और वाई दोनों के सबसे क्लोज है. जैसे कि ये हमारे एग्जाम्पल में ये है वो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर. अब आप इस कॉमन एंसेस्टर की पोजीशन देखिए लेयर्स में, मतलब आप ये डिटरमिन कीजिए कि ये कॉमन एंसेस्टर कौन सी लेयर में है. चलिए इस नोड को कॉमन एंसेस्टर को नाम दे देते हैं जेड. ठीक है, तो ये है वो हमारा नोड जेड. सपोज कीजिए कि ये लेयर किसी लेयर एल आई में प्रेजेंट है. अब क्योंकि ये दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, तो कोई पाथ होना चाहिए जेड से एक्स तक आता हुआ और कोई पाथ होना चाहिए जेड से वाई तक जाता हुआ. ग्राफ में ऐसे पाथ होने चाहिए ना, जेड से एक्स तक भी पाथ है और जेड से वाई तक भी पाथ है. देखिए आप ये जो ट्री एजेस देख रहे हैं जिनसे मिलके ये वाले पाथ बन रहे हैं, ये ग्राफ ही की तो एजेस हैं. तो क्लियरली जेड से एक्स तक भी पाथ है और जेड से वाई तक भी पाथ है ग्राफ में. ये ट्री एजेस जो हैं वो ग्राफ की ही तो एजेस हैं. लेकिन हमारे पास एक ऐसी भी एज है जो एक्स टू वाई रन करती है, ऐसी एज. दैट्स व्हाट यू सेड राइट. You said that there is an edge joining two nodes in the same layer. और आपने इस edge को ही माना E, जिसके endpoints x और y थे.
तो इसका मतलब x और y के बीच में एक एज है। अब आप इस साइकिल को कंसिडर कीजिए, जो z से x तक आने वाले पाथ, फिर x से y तक जाने वाली एज, और फिर y से z तक आने वाले पाथ से मिलकर बनी है। इस साइकिल की लेंथ कितनी होगी? पहले बताइए कि z से x तक आने वाले पाथ की लेंथ कितनी है। z है एल आई लेयर में और x है एल के लेयर में, तो z से x तक जो पाथ आ रहा है उसकी लेंथ होनी चाहिए k माइनस आई। सिमिलरली y टू z जो पाथ है उसकी लेंथ भी होनी चाहिए k माइनस आई, और बीच में एक एज और है। तो इस साइकिल की टोटल लेंथ कितनी हो गई? k माइनस आई प्लस वन प्लस k माइनस आई, विच इज ट्वाइस ऑफ k माइनस आई प्लस वन। नाउ दिस ट्वाइस ऑफ k माइनस आई इज एन इवन नंबर एंड देयरफॉर एडिंग वन टू इट मेक्स इट ऑड। सो व्हाट हैव यू शोन जस्ट नाउ? यू हैव शोन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ साइकिल हुज लेंथ इज ऑड, एंड व्हाट डज दैट इंप्लाई? दैट द ग्राफ इज क्लियरली नॉन बाइपार्टाइट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो देखिए, हम जो चाहते थे क्या वो हमने एस्टैब्लिश कर लिया या नहीं कर लिया? देखिए, ये हमारा गोल था। वी वॉन्टेड टू शो दैट इफ देयर इज अ साइकिल, सॉरी, इफ देयर इज एन एज विद एंड्स ऑफ द सेम कलर, देन देयर हैज टू बी एन ऑड साइकिल इन द ग्राफ। यही हमने शो कर दिया। यानी अगर आपके पास एक ऐसी एज मिल गई जिसके दोनों एंड्स सेम कलर के हैं, तो आप क्लियरली डिक्लेयर कर सकते हैं, सेफली डिक्लेयर कर सकते हैं कि ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है। Convinced? Okay, that's about the analysis. Thank you.